हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल धाकर जाके व्लॉग्स में। और आज है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तो आज है मेरे बच्चे पीकू का बर्थडे। तो अभी तो वो सो रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ अपना किचन का काम वाम निपटाने के लिए। तो जब तक वो उठता है तब तक मैं कुछ काम है किचन का वो सब कर लेती हूँ। तो रात को मैंने छोले भिगो के रखे हुए थे, तो ये देखिए छोले मेरे बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। रात को मैंने छोले भिगो के रख दिए थे, तो आज मैं छोले की सब्जी बनाऊंगी। और साथ में अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या बनाना है, मतलब पूड़ी बनानी है या रोटी बनानी है या फिर कुछ और बनाना है, तो देखते हैं आगे का तो क्या होता है। तो चलिए अब अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने छोले जो रात को भिगो के रखे हुए थे उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते टाइम मैंने इनमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और 5 से 6 सीटियाँ लगा के इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छे बॉईल हो चुके हैं। और तड़के के लिए भी मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है और तड़के की तैयारी कर ली है। तो ये है प्याज, 2 प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। ये है कुछ खड़े मसाले जिसमें तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी और 2 इलायची ली हैं। तो ये खड़े मसाले हैं। और ये है 2 टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया है और कुछ जो बेसिक से मसाले होते हैं वो भी रख लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं छोले की सब्जी। तो तेल जैसे ही गर्म होता है तो उसमें डाल देती हूँ मैं जीरा। तो बहुत तेज़ तेल गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो इलायची है उनको खोल लूँगी। और खोल के अगर आप नहीं अच्छी लगती खुली हुई तो आप ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं, बट जस्ट टेस्ट आना चाहिए उसका। तो बस हल्का सा यहाँ पे इनको तेल में भून लूँगी जिससे कि इनका टेस्ट आ जाए। और अब यहीं पर तेल में ही मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये सब अगर आप इसी टाइम पर तेल में डालते हो ना तो सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा, जैसे कि आप घुलते ही तेल में देख रहे हो कि कैसा कलर आया है। तो इससे सब्ज़ी का कलर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्ज़ी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं अपना जो अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो। इसमें मैंने चारों चीज़ें ही मिक्स करके एक ही साथ में पीस ली थी, अलग अलग नहीं पीसी। तो इस मसाले को खूब अच्छे से, यानी कि प्याज का जो मसाला है उसको खूब अच्छे से पका लेना है। जितना ज़्यादा ये अच्छे से पकेगा उतना ज़्यादा सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मेरा ये पक चुका है। उसके बाद डाल देती हूँ मैं जो अपने मेरा प्याज का पेस्ट या टमाटर का पेस्ट या प्यूरी जो भी बोले आप वो डाल दूँगी और इसको भी खूब अच्छे से पका लेंगे। जितना हमारा ये जो टमाटर प्याज का पेस्ट पकेगा उतना ही ज़्यादा सब्ज़ी में टेस्ट आएगा, नहीं तो फिर सब्ज़ी में इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसमें अभी इसी टाइम पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मेरे पास छोले मसाला नहीं था और बाहर से ला भी नहीं सकते। अगर आपके पास है तो वो एकदम लास्ट में डलता है, बीच में हम गरम मसाला ही डालते हैं। अगर जिस अब ये मेरा पूरा पक चुका है मसाला बहुत अच्छे से, तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको थिक चाहिए है या कैसी गाढ़ी चाहिए है, पतली चाहिए है, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 2.5 गिलास पानी का डाला है क्योंकि ना मुझे गाढ़ी चाहिए ना मुझे पतली चाहिए, मुझे ठीक ठीक की जो तरी है वो चाहिए है। तो यहाँ पर पानी डाल के और इसको एक बार खूब अच्छे से बॉयल कर लेंगे, क्योंकि पानी में उबाल आना भी ज़रूरी है, पानी का पकना भी ज़रूरी है। तो अब इसको पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा ये बॉयल हो जाता है इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी डाल के देखिए, कसूरी मेथी डालने से भी एक अलग ही टेस्ट आता है ऐसी सब्जियों में। और यहाँ पे डाल दिया थोड़ा नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि छोले बॉयल करते टाइम भी मैंने नमक डाला था। और अब इसमें मिक्स कर दिए हैं छोले। तो ये लीजिए सब्जी मोस्टली हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैशर से थोड़े बहुत छोले हैं वो मैं मैश कर लूँगी ताकि मेरी सब्जी एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो, खड़ी खड़ी ना रहे। तो लीजिए सब्जी हो गई है हमारी रेडी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये है जो आप थाली में देख रहे हो नारियल
क्या बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने इसमें ना जमा दिया था, तो ये मैंने कल रात को ही बना ली थी। जैसे ही मेरा डिनर विनर का काम ख़त्म हो गया था तो उसके बाद मैंने सोचा कि बर्थडे वाले दिन तो बहुत काम होगा, केक वेक भी बनाना रहेगा और पिकू की भी केयर ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, तो मैंने ये पहले वाले दिन ही बना ली थी। इसकी मैंने वीडियो नहीं शूट की है, नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो आप लोगों के, जब भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू कतली के जैसे बनाते हैं वैसे मैंने कट कर ली है और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बर्फियाँ बनी थी। तो लीजिए, आप भी खा लीजिए। तो इसको एक मैं बाउल में निकाल लूँगी क्योंकि थाली में मैंने ग्रीस करके इसको निकाला हुआ था, तो थाली भी साफ़ हो जाएगी और सारे काजू कतली सॉरी नारियल की बर्फियों को निकाल लिया है एक बाउल में। और यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी, तो उसके लिए मैंने मैदा और गेहूं का आटा, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, वो ले लिया है। और अब इन सबको मिला के मैं एक अच्छे से जितना रोटी के लिए हम आटा गूँथते हैं वैसा आटा मैं गूँथ लूँगी। अगर आपको प्योर वैसा चाहिए तो आप मैदा ज़्यादा रखें और गेहूँ का आटा कम रखें। मैंने यहाँ पर इक्वल क्वान्टिटी में ले कर ये रोटी के जैसा आटा गूँथ लिया है और इसको अब हम ग्रीस करके, यानी कि थोड़ा सा घी तेल जो भी आप लगाना चाहो उसको लगा के आधे घंटे के लिए ढक के हम इसको रख देंगे ताकि ये हमारा जो मैदा है वो अच्छे से आटा सेट हो जाए। तो जब ये हमारा सेट हो जाएगा तो हम इसको एक बार और गूँथ लेंगे क्योंकि रखा हुआ है आधे घंटे से, तो इसको एक बार और गूँथ के हम अपनी लोई बना लेंगे और तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, नॉर्मल जो रोटी होती है वैसी ही मैंने लोई ली है। अगर आप चाहो बड़ी बनाने के लिए तो आप बड़ी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें रोटी बेल लेनी है और एक कटोरी में हमें पानी ले लेना है जो कि हमें गैस के पास ही चाहिएगा। तो ये बेल ली है रोटी और एक साइड पर हम यहाँ पानी से इसको अच्छे से गीला कर लेंगे ताकि ये इस साइड से हमारे तवे से अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, पूरी रोटी के किनारों पे और हर जगह बीच में आपको पानी अच्छे से लगा लेना है ताकि हमारी रोटी है जो तवे से चिपक जाएगी। तो चिपक जाएगी तो उससे हमारे तवा ऊंधा करके जब हम रोटी को सेकेंगे तो हमारी रोटी गिरेगी नहीं और बहुत अच्छे से सिकेगी। एक साइड से जब हमारी रोटी सिक जाएगी पानी वाली साइड से तो इसमें बबल्स आ जाएंगे और हम तवे को उल्टा करके ऐसे रोटी को सेक लेंगे। तो आप इसको नान भी बोल सकते हैं, तंदूरी रोटी भी बोल सकते हैं। और इसमें मैदा मैंने थोड़ा कम मिलाया है, अगर आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला जैसी तंदूरी रोटी चाहिए तो मैदा आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी रोटी बहुत अच्छे से सिक के रेडी हो गई है। तो ये देखिए, जैसी तंदूर से रोटी बन के आती है वैसी ही रोटी बनी है। तो तवे पर तंदूरी रोटी बनाने का यही एक तरीका है कि आप ऐसे पानी लगाएं रोटी के एक साइड पे और इसको तवे पे डाल दें। तो ये देखिए, मैंने एक बार दो और रोटी बना के आपको दिखाई है। ये देखिए, ऐसे ऊपर बबल आ जाएँ तो हम तवे को उल्टा करके और सेक लेंगे। ये रोटियां गर्मा गर्म खाने में ही टेस्टी लगती हैं, सूखी होने के बाद तो मैदा होता है तो रोटियां टूटती ही नहीं है। तो ये देखिए, हमारी एक और रोटी सिक गई है। अगर आपसे नहीं सिकती है तो आप ऐसे तवे से उतार के भी सेक सकते हैं। तो ये लीजिए, खाने की थाली हो गई है रेडी, हमारी तंदूरी रोटी और मसाला छोले की पंजाबी स्टाइल में सब्जी और नारियल की बर्फ़ी, छाछ और सलाद। आइए आप लोग भी खा लीजिए पीकू के बर्थडे की। तो बस अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है और आके मैं बैठी हूँ। तो चलिए, आपको पहले पीकू से मिलवा देती हूँ। पीकू इधर आओ। अरे तो ये लीजिए, मिल लीजिए पीकू से। पीकू, सब आपको है ना ऐसे बोल रहे, हैप्पी बर्थडे पीकू, हैप्पी बर्थडे पीकू। तो आप क्या बोलोगे सबको? थैंक यू सो मच। और क्या बोलोगे? और क्या बोलना है? आई लव यू। स्टैंड अप हो जाओ। अच्छी लगी आपको ये ड्रेस? हाँ। अच्छी लगी? बस इसी ड्रेस में काम चला लोगे? और ड्रेस नहीं चाहिए? और ड्रेस तो चाहिए है। और गिफ्ट भी चाहिए है? हाँ बताओ। गाड़ी, हेलीकॉप्टर। तो वो तो अभी नहीं मिलेगा, अब जब शॉप खुलेंगी ना, ये कोरोना वायरस भाग जाएगा
तब शॉप खुलेगी ना, तब ला के देगी मम्मा आपको, ठीक है? अभी तो खुल नहीं है ना। नहीं खुलती है। अरे हाँ, तो दूध वाली पे टॉयज मिलते, तो फिर हाँ। तो लाइव करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई और हम दोनों ने, यानी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय वाय पी, फिर पीकू को थोड़ा दूध वूध दिया। और अभी मैं ये कट्टा देख रहे हो, इस कट्टे को संभालने आई हूँ क्योंकि पीकू के बर्थडे पे हमने बहुत कुछ सोच के रखा था, क्योंकि 5th बर्थडे है। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, या तो यहाँ टेरिस पे करेंगे या फिर कोई होटल में देखते हैं, जैसा हमें कंफर्टेबल लगेगा हम वैसा कर लेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाया। हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि भाई अगर छत पे करेंगे तो केटरिंग वाले को, बलून वाले, मतलब बलून वाले को, डेकोरेशन वाले को, केक का कैसे करेंगे, या फिर होटल में करेंगे तो होटल वालों का, केटरिंग का उनका हो जाएगा, और डेकोरेशन का, केक का, मतलब जो होती है ना एक प्लानिंग की भाई ये चीज़ होनी चाहिए, कितना, मतलब कितना बड़ा केक लाएंगे, ये वो। पीकू से भी पूछ लिया था कि उसको कैसा केक चाहिए, आयरन मैन वाला उसको केक चाहिए था। और पीकू के हर बर्थडे पे, पिछले बर्थडे पे जैसे 4th बर्थडे था तो मैंने घर में भजन करवाए थे और भजन में प्रसाद दे दी थी, फिर बाद में बच्चों को बुलाया था, केक वेक कट किया था, अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे सब। और पीकू के जितना वजन था ना, उतना ही मैं कुछ दान करती हूँ पीकू के वजन के बराबर ही। तो अब की बार बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, मंदिर जाती हूँ, मंदिर में ही वो दान मान करके आता, मतलब वो जो सामान होता है ना, कुछ गेहूँ या कुछ ऐसा ही होता है जो दान मंदिर में नहीं देती हूँ, वो किसी को, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको देती हूँ जिसको ज़रूरत होती है। तो आज भी मेरे हस्बैंड ये सारा सामान बाहर से जाके लेके आए हैं कि आजकल तो सबको ही बहुत ज़रूरत है। तो अब की बार मैंने एक चीज़ नहीं मंगाई है, अब की बार मैंने अलग अलग चीज़ें मंगवाई हैं ताकि किसी भी परिवार को अगर ये चीज़ मिलेगी तो कम से कम उसका कुछ दिन का काम चलेगा। लेकिन अब हम ये किसी परिवार को नहीं देंगे, हमारी सोसाइटी में ही कुछ लोगों ने मिलके ना एक प्लान किया था कि हम डेली डेली यहाँ से कुछ गरीबों के लिए खाना बनाएंगे, वो बांट के आएंगे। तो यहाँ पे है ना कम से कम 10-15 दिन से ये काम चल रहा है, और उसमें जिसको जो भी देना है दो, जिसको मतलब अपना श्रम का दान करना, वो मतलब मेहनत देनी है वो दे सकता है, पैसे देने, किसी को सामान देना, कुछ भी देना वो दे सकता है। तो इन्होंने बोला कि अब हम ऐसे ही करते हैं, हम नीचे ले आते हैं। तो ये इसमें है, ये 5-5 किलो के 2/4 चून का आटा है। अगर किसी को दो ना तो अच्छी ही चीज़ दो, या तो दो ही मत, अगर देते हो तो जहाँ 4 पैसे लगने वहाँ 2 लगेंगे, इससे अच्छा है कि आप 4 पैसे लगा के कम चीज़ दे दो, लेकिन अच्छी चीज़ दो किसी को अगर आप दे रहे हो। तो ये 5-5 किलो के 2 पैकेट हैं। तो मैंने बोला कि आप 10 किलो आटा ले आना, पीकू का वजन 16 किलो है। तो ये 5-5 किलो के 2 10 हो गए। और ये है चावल, चावल मुझे नहीं पता 5 किलो की 6 किलो है। और ये है मूंग दाल, और कुछ थोड़ा बहुत मैं घर से करने वाली हूँ, जैसे नमक वमक है ये सब। तो कुल मिला के ऐसा कर देंगे कि ताकि एक दिन का जो खाना है ना वो उनका बन सके। तो दाल चावल आटा तो हो गया, बाकी वो छोटा वो मैं घर से कर दूँगी। तो मैं ये चेक कर रही थी कि तो बोला एक बार चेक कर लो, फिर ये नीचे ले आएंगे ताकि उन लोगों को भी कोई बात नहीं, अगर बच्चे की खुशी और देश पहले है, घर परिवार पहले है, अपनी हेल्थ पहले है, अगर जिंदा रहेंगे तो बर्थडे तो नेगेटिवली मना लेंगे। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी था, इनको मैंने भेजा, मैंने कहा नहीं वो तो लेके आओ, पैसे भी दे सकते लेकिन वो लोग भी तो छोटे लेके ही आएंगे ना, इससे अच्छा कि आप ही ला के दे दो। तो चलिए अब थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि फ्लावर जो बलून है ना वो ला के ही रखे हुए हैं, और वो थोड़ी बहुत वो कर लेती हूँ, फिर पीकू का केक कट करवाते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा केक मैंने पीकू के लिए घर पे ही बनाया है, बस कुछ बिस्किट का ही केक बनाया है, ऊपर से चॉकलेट से डेकोर कर दिया है, थोड़ा सा जैम्स वैम्स लगा दिए हैं ताकि उसको अच्छा लगे। और यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे की जो लड़ी है वो लगा दी है,
और ये 5 बलून, एक पैकेट पहले का ही पता नहीं कब का रखा हुआ था, मुझे याद आया तो मैंने ये बलून निकाल के और लगा दिए उसमें। एक पैकेट में 7 बलून थे तो 2 फुलाते फुलाते फूट गए और 5 बचे, तो मैंने कहा ठीक है तेरा 5वां ही बर्थडे है तो 5 बलून तो एटलीस्ट रह गए हैं। और ये यहाँ पे रेडी होके बैठा हुआ है कि लाओ लाओ जल्दी लाओ मैं केक कट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने केक लाके रख दिया है, तब तक इसके पापा आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया बत्ती करने के लिए आए, मैंने कहा केक बाद में ही कट करेंगे पहले दिया बत्ती कर लेते हैं, क्योंकि जब सुबह इसके पापा ने दिया बत्ती की थी तब तक पिकू नहीं उठा था, तो सुबह का लेट हो गया था क्योंकि हमने इसको थोड़ा लेट ही उठाया था। मैंने कहा फिर बाद में परेशान करेगा उठ के, होता है ना कि बच्चे को। और मैंने इसको ये बोला था कि केक मैं बनाऊंगी, तो पूरा दिन इसने पूछा मम्मा केक कब बनाओगे, केक कब बनाओगे, मुझे बनाना है मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मंदिर में ही दिया बत्ती कर दी है और जो नारियल की बर्फ़ी मैंने बनाई थी वही भोग में चढ़ा दी है भगवान के। और ये देखिए इसका काम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने केक कट करना स्टार्ट करवा दिया है इनका, इसके पापा के और इसके ही हाथ से केक कटवाया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, पिकू के बर्थडे में शामिल हो जाइए। जैसा भी मेरे से हो पाया मैंने इसको खुश करने की कोशिश की है, और बच्चा है थोड़ा बहुत इसका अफर्ट देते ही ये खुश हो भी जाता है। YouTube फैमिली ऐसे बोलो, YouTube फैमिली खा लो सारे खा लो, पिकू की बर्थडे का केक खा लो। जम मैं पूरा जम खाऊंगा, जम खाओगे ऊपर चॉकलेट भी है। चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं से करती हूँ वाइंड अप और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप सबका इतना पिकू को प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, और जितना मेरे से बन पाया मैंने इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई लॉकडाउन है तो चलो बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत मैंने किया है। और केक कुल मिला के अच्छा बना है, मुझे बहुत डर लग रहा था केक बनाने में पर कुल मिला के अच्छा बना। फर्स्ट टाइम बनाया था जिस हिसाब से मैंने बनाया तो काफ़ी अच्छा बना है, कि बस पीकू को खुश करना था और वो खुश हो गया है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा सा उसको ये फील हो रहा है कि उसके फ्रेंड्स नहीं आए, लेकिन वो हमने उसको समझाया कि बेटा इसलिए हमने आपके फ्रेंड्स नहीं बुलाए कि बाहर आपको नहीं जाने दे रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा भी उनको बाहर नहीं जाने देंगे। पीकू इधर आओ, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू। अच्छा ये बताओ आपका बर्थडे कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा? हाँ। आपको मज़ा आया? हाँ। ओके, तो केक बताओ केक कैसा लगा? अच्छा। ओ माय गॉड इतना अच्छा लगा। हाँ। चलो ठीक है खेलो अब जाओ। तो चलिए अब बाय बाय। अगर आपको आज का व्लॉग पीकू का बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली व्लॉग्स देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। चलिए।